नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे रबड़ी। जब आप घर पर दूध से रबड़ी बनाते हैं तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ढेर सारे दूध में थोड़े से रबड़ी बनते हैं, लेकिन आज हम कम दूध में ज़्यादा रबड़ी बनाने वाले हैं। अगर आपके पास समय कम है तो यह रबड़ी आप घर पर झटपट से बना सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रबड़ी बनाना। रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पीस ब्रेड लिए हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में डालकर पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ब्रेड को बहुत बारीक न पीसें, इसे मोटा दरदरा ही रखें। ब्रेड को हमने इस तरह से तोड़कर छोटा छोटा कर दिया है। तो चलिए अब हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 1/2 लीटर दूध। दूध हमने कच्चा लिया है तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। रबड़ी बनाने के लिए आप कोई भी दूध ले सकते हैं, चाहे डेयरी वाला दूध हो या फिर पैकेट वाला हो। अब दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो न डालें। बिना कलर के भी आप रबड़ी बना सकते हैं। कलर को दूध में मिलाते हुए अभी इसे हम 2 मिनट तक और पकाएंगे, जिसे दूध अच्छे से पक जाए। गैस को हमने मीडियम में किया है। रबड़ी हम मीडियम आंच पर बना रहे हैं, इससे रबड़ी जलेंगे नहीं और अच्छे बनेंगे। दूध पककर हल्के गाढ़े हो चुके हैं तो अब इसमें हम ब्रेड को डालेंगे और 3 छोटी चम्मच चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी में चीनी हल्के अच्छे लगते हैं। और इसमें हम थोड़े से कटे हुए काजू बादाम पिस्ता डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालने से रबड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसे हम बराबर चलाते हुए 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड दूध को जल्दी सोख लेता है। अब ये रबड़ी पूरी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार रबड़ी बनी है। यह रबड़ी बनकर तैयार है। कम दूध में इतनी रबड़ी बने हैं। अब गैस को हम बंद करेंगे और रबड़ी को सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। ठंडे होने के बाद रबड़ी और गाढ़े हो जाएंगे। ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता बादाम से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो रबड़ी को इसी तरह खा सकते हैं या फिर फ्रिज में रखकर ठंडा करके खा सकते हैं। यह ब्रेड का रबड़ी बनकर खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। यह रबड़ी बनाने में हमें लगभग 7 से 8 मिनट लगे हैं। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करें और समय आपके पास कम हो तो यह रबड़ी आप घर पर झटपट से बना सकते हैं। यह रबड़ी बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा।